वेलकम स्टूडेंट्स टू प्रेप गुरु यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेंटर सीयूटी मेंटर नितिन राकेश। आज का जो विषय है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। उसका रीज़न है कि पिछले साल का अगर हम सीयूटी देखें तो 14,90,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था और अपीयर कितने किया आप जान के हैरान हो जाएंगे, मात्र 9,50,000 के करीब लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए। तो ये 5 लाख मोटा मोटा जो फिगर था वो बच्चे कम हो गए फॉर्म फिल करने और अपीयर में। ऐसा क्यों हुआ, वो लोग क्यों नहीं एग्ज़ाम्स दे पाए? उसका रीज़न था रॉन्ग फॉर्म फिलिंग। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सही सुन रहे हैं, गलत तरीके से फॉर्म भरा था। क्या गलतियाँ की थी, ये वीडियो उस चीज़ पर डेडिकेटेड है। सो गलतियाँ समझने से पहले मैं आपको एक बार पहले फॉर्मेट बता देता हूँ, सीयूटी 2023 का नया फॉर्मेट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नया फॉर्मेट। क्यों नया, लास्ट ईयर से ये फॉर्मेट थोड़ा चेंज है। तो क्या है फॉर्मेट वो देखते हैं पहले। देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड किया है फॉर्मेट को। फॉर्मेट 1 है लैंग्वेज भाषा, उसमें सब सेक्शन कर दिए, यानी सेक्शन 1A और B में है। ठीक, ए कौन लेगा बी कौन लेगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा, बट इन शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ पहला सेक्शन है भाषा लैंग्वेज का। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 2 जिसे हम कहते हैं डोमेन सेक्शन। डोमेन सेक्शन में 27 वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो एक छात्र या छात्रा को क्लास 12th में क्लास 11th में एज एन ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ह्यूमैनिटीज आर्ट साइड से हैं तो पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सब एज एन ऑप्शन आपको मिलते हैं सीबीएसई बोर्ड में। सेम वे अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से हैं पीसीबी ग्रुप से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलता है। पीसीएम ग्रुप से हैं यानी मैथ्स ग्रुप से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलता है। कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स बिजनेस स्टडीज इस तरीके के सब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो ऐसे 27 सब्जेक्ट यहाँ पर लिस्टेड हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 जिसे हम कहते हैं जनरल टेस्ट, इसको हम आम भाषा में कह सकते हैं ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड मतलब ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग मेंटल एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी और सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स जीके को जज करता है। इसमें क्या आता है, मोटे तौर पे अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट्स की भाषा में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं मैथ्स रीजनिंग और जीके। तो ये हो गया आपका जनरल टेस्ट। हम रिपीटिंग, पहला सेक्शन लैंग्वेज भाषा, दूसरा सेक्शन डोमेन जिसमें 27 सब्जेक्ट लिस्टेड हैं क्लास 12 वाले, और थर्ड सेक्शन एप्टीट्यूड मैथ्स रीजनिंग और जीके का। अब गलती क्या होती है इसकी भी बात कर लें। अब होता क्या है कि जब स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं तो कई यूनिवर्सिटीज, जैसे आपको मालूम है कि सीयूटी के माध्यम से आप 30, 50, 10, 12 जितनी भी चाहे यूनिवर्सिटीज अप्लाई कर सकते हैं और उनके एन नंबर ऑफ विभिन्न प्रोग्राम्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप ये अप्लाई करते हैं तो कई यूनिवर्सिटी सेक्शन 1 मांगती है, कई यूनिवर्सिटी सेक्शन 1, 2, 3 तीनों मांगती हैं, कई 2, 3 मांगती हैं, कई 1 और 2 मांगती हैं। इन शॉर्ट सब यूनिवर्सिटीज़ का अपने प्रोग्राम्स के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग सेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, अब यही स्टूडेंट्स फंस जाता है कि भाई मैं सेक्शन 1 किसके लिए भरूँ, 2 किसके लिए भरूँ, 3 किसके लिए भरूँ या तीनों भर दूँ। तो अब जो मैं आगे आपसे बात करने जा रहा हूँ वो इसी पे बात करने जा रहा हूँ कि क्या गलती होती है और कैसे चयन सब्जेक्ट्स का करेंगे। क्लैट ने 2023 में ये बोला है कि आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं तीनों सेक्शन से। तो अगर आप एक भाषा ले रहे हैं तो एक सब्जेक्ट हो गया, अगर जनरल टेस्ट भी आप लिख रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट हो गए, यानी डोमेन में 8 सब्जेक्ट्स आप लिख सकते हैं। लोग गलती क्या करते हैं, 2-2, 3-3 भाषाएं ले लेते हैं, फिर डोमेन सब्जेक्ट्स भी जितने मैक्सिमम हो सकते हैं वो ले लेते हैं और जनरल टेस्ट भी ले लेते हैं। तो कम भाषाओं के चयन से कम डोमेन सब्जेक्ट चूज करके भी अपीयर किया जा सकता है जिसमें आपका चांसेस सिलेक्शन हायर रहते हैं। तो अब आ जाते हैं मुद्दे पर, अब आ जाते हैं बात पर चयन किया कैसे जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और एक मैंने ग्रिड आप लोगों के लिए बनाया है पीपीटी का, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे चयन करें। ठीक है, तो ये ग्रिड है, मैंने 5 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहा हूँ
और ये जो पांच प्रोग्राम्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हैं। पांच मैंने क्यों ऑप्शन लिया है, जिससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाए कैसे अप्लाई किया जाता है। तो पहली यूनिवर्सिटी जो ब्लॉक नंबर वन में आप देख पा रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कोर्स बीकॉम है। अब सीयूटी की जो वेबसाइट है cutsamarth.ac.in पे ये सारी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं, आप सब लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी कॉलम में सारी यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है और यूनिवर्सिटी कॉलम के सामने कौन कौन से प्रोग्राम BA, BSc, BCom, BTech वो यूनिवर्सिटी दे रही है और उनका क्या क्राइटेरिया है। फॉर एग्जाम्पल BCom का क्राइटेरिया है सेक्शन वन, यानी भाषा में कोई भी भाषा ले लीजिए, एनी लैंग्वेज। आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, आप आसाम से हैं एसमीज भी ले सकते हैं, 13 लैंग्वेज लिस्टेड है, तो आपको एक लैंग्वेज का चयन करना है। सेक्शन टू में लिखा है एनी थ्री, तो 27 जो सब्जेक्ट डोमेन में दिए उसमें से कोई भी तीन सब्जेक्ट का चयन आप कर सकते हैं। और सेक्शन थ्री मतलब जनरल टेस्ट, वो भी लिखना है। तो सिंपल है, सेक्शन वन में एक लैंग्वेज ले लें, तीन डोमेन सब्जेक्ट ले लें और सेक्शन थ्री ले लें। पर कौन से डोमेन लेंगे ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। दूसरा मैंने क्या लिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी लिया है बीकॉम बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए। इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स के लिए, हर प्रोग्राम के लिए अलग है। जैसे आप देख रहे हैं बीकॉम के लिए अलग है, इकोनॉमिक्स के अलग है। सेक्शन वन यानी कोई भी भाषा ले सकते हैं आप, एनी लैंग्वेज। सेक्शन टू में लिखा है मैथ्स, मैथ्स यानी कंपलसरी है अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको इकोनॉमिक ऑनर्स करना है। सो मैथ्स 27 सब्जेक्ट्स में मैथ्स लेना जरूरी है प्लस एनी टू, जैसे वहां एनी थ्री दिया था यहां कह रहे हैं एनी टू। और सेक्शन थ्री जनरल टेस्ट आपको नहीं लिखना है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तीसरी जो मैंने यूनिवर्सिटी ली है वो ली है टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, बैचलर इन सोशल वर्क प्रोग्राम लिया है। इसका क्राइटेरिया है सेक्शन वन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। सेक्शन टू डोमेन, कोई भी डोमेन सब्जेक्ट आपको नहीं लिखना है टिस के लिए। और थर्ड सेक्शन थ्री जो है आपका जनरल टेस्ट वो लिखना है। सेक्शन फोर चौथा जो मैंने यूनिवर्सिटी लिया है वो लिया है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम LLB। इसका क्या क्राइटेरिया है, सेक्शन वन जो भाषा था इन्होंने फिक्स लिखा है इंग्लिश चाहिए, यहाँ आप हिंदी नहीं ले सकते, एसमीज नहीं ले सकते जो बाकी में ऑप्शन था आपके पास, तो इंग्लिश आपने चूज कर ली क्योंकि मैंडेटरी है। सेकेंड जो सेक्शन है वो है डोमेन, इसमें लीगल स्टडीज ही आपको लेनी है। जैसे ऊपर लिखा था एनी थ्री मैथ्स प्लस एनी टू, ये ऑप्शन नहीं है, आपको मैंडेटरी है, जरूरी है लीगल स्टडीज लेना, तभी आपके लिए मान्य होगा, तभी आप अपीयर कर पाएंगे। तीसरा सेक्शन जनरल टेस्ट लिखना है। चौथी यूनिवर्सिटी मैंने ली है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कोर्स है BSc। इसका क्या क्राइटेरिया है, इंग्लिश, सेक्शन वन में इंग्लिश कंपलसरी है जैसे BHU में कंपलसरी थी। और जो माफ़ी चाहता हूँ स्क्रीन चली गई है, तो मैं एक मिनट स्क्रीन को वापस ले आता हूँ, फिर आपको कैरी ऑन करता हूँ।